Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back to our chapter Dissolution of Partnership Firm. लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल वैरायटी के प्रॉब्लम देखे थे रिगार्डिंग द सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वैरायटी इन सेम लेसन सो आज हम सेकेंड टाइप पढ़ने वाले सो इन केस ऑफ डिजोल्यूशन इन दैट केस वी हैव टू स्टडी टुडे अ इंसॉल्वेंसी वैरायटी मतलब वैरायटी ऑफ इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंसी में भी दो वैरायटी होती है एक ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है और एक एक सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो आज से हम सिंगल वन पार्टनर इस इंसॉल्वेंट वाली वैरायटी पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं सो आई होप आपने टाइप वन अच्छे से नोटबुक में लिखा होगा और आपने रिवाइज किया ही होगा सो टाइप वन हमारा कंप्लीट हो गया आज से हम टाइप टू पे आने वाले सो दट इज द वैरायटी ऑफ इंसॉल्वेंसी अंडर वन पार्टनर पार्टनर इज इंसॉल्वेंट सो लेट्स कम टू अवर फर्स्ट थियोटिकल कंसेप्ट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड देन विल मूव टूअर्स अवर प्रॉब्लम सो ग्यू हेडिंग इन योर नोटबुक डिशन अंडर सिचुएशन, सो आपके नोटबुक में हेडिंग दो, so, सबसे पहला वॉट इज द मीनिंग ऑफ इन्सॉल्वेंसी इन इन्सोल्वेंट मतलब क्या होता है अगर कोई पर्सन होता है उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है और असेट्स कम है सिचुएशन लाइबिलिटी ऑफ पर्सन और फॉर्म एग्जिस्ट इन असेट

अगर किसी पर्सन के पास असेट इनाफ है तो उसकी लाइबिलिटी पे कर सकता है तो वो सोल्वेंट हुआ सो सोल्वेंट पार्टनर अ पार्टनर हु इज एबल टू मीट हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब ऐसा पार्टनर जिसके ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है उसको क्या बोल सकते हैं हम सोल्वेंट एंड वट इज द मीनिंग ऑफ इन्सॉल्वेंट इन्सॉल्वेंट क्या होता है ऐसा पर्सन जिसके लाइबिलिटीज मोर है मीन्स अ पर्सन हु इज हैविंग मोर लाइबिलिटीज इट इज कॉल एस वर्ड इन सोलवेंट पर्सन इज सेट टू बी इन सोलवेंट When he is unable to satisfy his liabilities out of his assets, मतलब उसके अलावा इतना पैसा नहीं है। कि वो कर्जा पे कर सकता है असेट्स में से तो उसको लोन एंड ऑल लेना पड़ता है तो ऐसा पर्सन जिसके पास कर्जा ज्यादा है और प्रॉपर्टी कम है कम है दैट इज और ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है वो सॉल्वेंट सो सॉल्वेंट इज अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन इन्सॉलवेंट इज अ लॉस सिचुएशन थर्ड कंसेप्ट होता है अपना कैपिटल की डेफिशियं द पर्सन हु इज इन्सॉलवेंट मतलब जो इन्सोल्वेंट है तो उसमें कैपिटल में क्या होगा फिर कैपिटल डेफिशिएंसी मींस वन और मोर पार्टनर हैज अ डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट ऐसा कोई पार्टनर एक

तो जो बचे हुए दो पार्टनर अगर तीन पार्टनर एग्जाम्पल देर हाउ मेनी पार्टनर थ्री आउट ऑफ तो विच वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट सो वॉट एवर इज द बैलेंस ड्यू ऑफ दैट इंसॉल्वेंट पार्टनर इंसॉल्वेंट पार्टनर का जितना भी पैसा बाकी है वो दोनों पार्टनर को भरना ही पड़ेगा भले उसने नहीं लिया है कर्जा तीसरे पार्टनर का था बट वो पार्टनरशिप में तीनों मिलके कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट दैट्स वाई द पार्टनर हु इज सॉल्वेंट हैज टू पे द मनी सो द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड

कम है सो वन पार्टनर लाइबिलिटी इज बोर्न बाय अदर पार्टनर इन केस ऑफ इंसॉलवेंसी सो दैट द डेफिशंसी इज बोर्न बाय सोलवेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो एक पार्टनर तो चला गया उसका इन्सॉल्वेंट हो गया है वो तो दोनों पार्टनर को ए और बी और सी तीन पार्टनर है सो सी इंसॉलवेंट हो गया तो ए एंड बी को वो जो उसका जो पैसा है वो लाइबिलिटी है उसकी पे करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सो ये नोटबुक में लिख लो वट इज द सोलसीप्ट ऑफ इनसोल्वेंसी फिर नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी की जो सिचुएशन होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल मेथड इन करंट करंट अकाउंट अकाउंट इज ओपन सारे एडजस्टमेंट में होती है अब हम आज हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पहले पढ़ने वाले हैं सो राइट अबाउट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो ऐसा कैपिटल मेथड जिसमें करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है देर इज नो करंट अकाउंट द मेथड इन विच देर इज नो करंट अकाउंट इज नोन एज वर्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सो एडजस्टमेंट सब हम कहा सॉल्व करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट है हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सॉल्व करेंगे करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है वो मेथड को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलते हैं सो so जो भी डेफिशिएंसी है सोलवेंट पार्टनर का वो कहा ट्रांसफर होती है सॉल्वेंट में तो ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी नोटबुक में लिख के रखो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन पार्टनर सो बीइंग इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर सो दिस एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल मेथड रिमेंबर सो रिमेंबर दिस एंट्री So, क्या एंट्री होती है सोलवेंट पार्टनर्स कैपिटल टू सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे थोड़ा एरर है सोलवेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे एरर है ये एंट्री चेंज करो यहाँ पे एंट्री में थोड़ा सा एरर है इसको एंट्री क्या है आपकी यहाँ पे एंट्री में एरर है आप लिखो सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट To word लिखो. Partner, ये नहीं है और ये क्रेडिट भी नहीं है ये, ये कर दो ये नहीं है, यहाँ पे है तो आया और डेबिट आया ऐसे दोनों तो नहीं होता है टू मतलब तो सोलवेंट पार्टनर कैपिटल बराबर है ये डेबिट साइड बराबर है क्रेडिट की एंट्री चेंज करो क्रेडिट की जो एंट्री है वो आपको यहाँ पे लिखना है सोलवेंट टू इन सोलवेंट पार्टनर खाली ऐसे लिखो सोलवेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फूल फॉर्म में लिखो सॉलवेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो so, ये हमारी एंट्री होती है ये याद रखो नोटबुक में लिख के रहो टेस्ट बुक में थोड़ा एरर है सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट आया सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल टू इन पार्टनर्स कैपिटल सो दिस इज अवर एंट्री फॉर विच करंट अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट में बनाना है सो लेट्स कम टू अवर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो आज हम पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन अवर नोटबुक

ऑफ योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास क्वेश्चन है तीन पार्टनर्स है शुभांगी मनीषा शीतल उनका रेशियो इक्वल है और बैलेंस ऑन मार्च लाइबिलिटी में कैपिटल्स है दोनों का लाइबिलिटी साइड और एक पार्टनर का असेट्स में रिजर्व फंड है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दो लाइबिलिटी है असेट्स में मशीनरी स्टॉक डेटर्स आरडीडी बिल्स रिसिवेबल कैश और शीतल का कैपिटल तो हमें क्या क्या करना है जर्नल या लेजर लेजर हमें क्या बनाना है रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट सो तीन लेजर्स ड्रॉ करो सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक तो आपको अगर मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि हमें पता कैसे चले, चलेगा कि ये टाइप वन का क्वेश्चन है या इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन है बिकॉज अब ना हमने सिंपल रिजोल्यूशन पढ़ा है तो आपको पता कैसे चलेगा ये इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन है तो देखो हमारे एडजस्टमेंट में लिख के आता है एडजस्टमेंट आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा है शीतल वॉज डिक्लेयर इन्सॉल्वमेंट मतलब वन पार्टनर इज इन मनीषा एंड शीतल तो हु इज इन डेप इंस्टॉलमेंट शीतल सो ऐसे हमें पता चलेगा इन एडजस्टमेंट तो लिख के आता हो तो क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करने का हुआ इस इंस्टॉलमेंट तो कौन सी वरायटी का प्रॉब्लम है इंस्टॉलमेंट से अंडर वन पार्टनर इज इंस्टॉलमेंट अब हम सबसे पहला ड्रॉ करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शुभांगी क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पहला थर्ड बैंक फिर तीन पार्टनर का, partners, capital, और third, so, उसके बाद हम हमारे नॉर्मल स्टेप करते हैं सिंपल डिजोल्यूशन में करते हैं सेम वराइटी में ही आपको सॉल्व करना है सबसे पहला बैलेंस को ट्रांसफर करो जिनका लाइबिलिटी में उनको क्रेडिट बैलेंस होता है सो so, शुभांगी सिक्स टू फाइव हंड्रेड एंड मनीषा इज थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज गिवन इन लाइबिलिटी साइड बट वन पार्टनर सच एस शीतल इज गिवन इन असेट्स साइड शीतल का बैलेंस कहाँ पे है असेट्स में है तो शीतल का बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फ्रॉम द क्वेश्चन ट्वेल्व थाउजेंड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री द एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेंड्री अट्स तो अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं जो भी असेट्स है हमारे पास वो सारे हमें ट्रांसफर करने मशीन स्टॉक डेटर्स इनसाइट वाली अमाउंट

डेटर्सिवेबल सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड टोटल ऑफ ऑल टेक आउटर कॉलम सो फर्स्ट स्टेप ट्रांसफरिंग ऑफ असेट। सेट सेकेंड ट्रांसफरिंग ऑफ लाइबिलिटी अब लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे सो so रियलाइजेशन के क्रेडिट में आती है बाय सनरी लाइबिलिटी एंट्री क्या होती है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट में so, में कहा जाती है क्या अपने पास क्रेडिटर्स बिल्स पेबल एंड वन मोर आरडीडी भी हम लेते हैं बट अलग से हम डायरेक्ट बाहर लेंगे बिकॉज वो पे नहीं होती है सो so, करेंगे थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड बिल्स पेबल ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हियर हमारे आंसर में आ जाओ लेजर में क्रेडिटर्स में लिखो थर्टी से ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल फिफ्टी और फिर आरडीडी अलग से दिखाना टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सोसेट्स भी ट्रांसफर हो गया लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो गया वन मोर क्वेश्चन में अगर रिजर्व फंड्स आएंगे तो रिजर्व फंड हमें कहाँ ट्रांसफर करना है पार्टनर्स क्रेडिट साइड सो रिजर्व फंड इज गिवन सो राइट बाय रिजर्व फंड भी लिख सकते हैं या तो बाय जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं तो बाय जनरल रिजर्व वी कैन राइट रिजर्व फंड अब देखो हमारे क्वेश्चन में कितना है रिजर्व फंड के अमाउंट रिजर्व फंड की जो अमाउंट है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और रेशो इक्वल बोला है तो वर्किंग नोट में ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड की थ्री पार्ट करो ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को डिवाइड करो थ्री से थ्री का टेबल आता है सबको थ्री सेवन झा ट्वेंटी वन थ्री फाइव फिफ्टीन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो so, तीनों पार्टनर को इक्वल रेशियो है इसलिए तीनों पार्टनर का शेयर सेम से थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवन थाउजेंड बाय जनरल रिजर्व सो ये नॉर्मल स्टेप से जो हमें क्वेश्चन से करनी है बैलेंस ट्रांसफर कर देने का सबसे पहला कैपिटल और बैंक में असेट्स ट्रांसफर कर देना है लाइबिलिटी ट्रांसफर करना है लाइबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस आया तो जनरल रिजर्व आया तो लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट में पार्टनर में भेजो असेट्स में अगर आया है प्रॉफिट एंड लॉस मिसलेनियस में तो डेबिट साइड में आता है वो अपनी एडजस्टमेंट्स पे विल मूव टूवर्स अवर एडजस्टमेंट सो लेट्स कम टूवर्स अवर एडजस्टमेंट नंबर सो नाव मूव टूवर्स फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑन अबाउट डेट इट वॉज डिसमेंट पढ़ो असर्ट्स रियलाइज स्टॉक मशीनरी डेटा बिल्स रिसीवेबल सो ये हमारी एंट्री फिक्स होती है हमने सिंपल सिंपल्यूशन में भी पढ़ा था असेट्स अगर सेल किया तो आपके पास पैसा आएगा तो कैश विल कम इन सो एंट्री क्या होती है अपनी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट सो कैश बैंक के डेबिट में आएगा और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड सो लेट्स कम टू अर्स कैश बैंक अकाउंट कैश बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में असेट सोल्ड और रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं उसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और वहाँ पे एक-एक एसेट्स एडजस्टमेंट से मेंशन करो स्टॉक 31250 मशीनरी 37500 डेटर्स 21250 और बिल्स रिसीवेबल 18000 एंड टोटल ऑफ ऑल दिस विल गेट 1 लाख 8000 सो so, वही हमारा जो टोटल आई है वही हमें रियलाइजेशन में 1 लाख 8000 है सो so बैंक में 1 लाख 8 लिख दो टोटल

एंड बिल्स पेबल वेड इन फुल अब देखो हमारे पास कितनी लाइबिलिटी है दो लाइबिलिटी है creditors और bills payable और दोनों पे करना है एंट्री ऑफ लाइबिलिटी पेड रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश बैंक सो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो टू बैंक क्रेडिटर्स डिस्काउंट में बोला है कितना टू परसेंट सो वर्किंग नोट में सॉल्व करो थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे टू परसेंट निकालो डिस्काउंट माइनस करना होता है सो टू जीरो सो so, मल्टीप्लाई करो थ्री सेवेंटी फाइव टू टाइम्स कितना होता है फाइव इंटू टू टेन सेवन इंटू टू फोर्टीन फोर्टीन प्लस इंटू टू सिक्स सेवन फिफ्टी आया डिस्काउंट अब हमें माइनस करना है थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में सेवन फिफ्टी माइनस सो क्रेडिटर्स का थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे हमने टू परसेंट निकाला तो हमें आया सेवन फिफ्टी माइनस किया हमने सेवन फिफ्टी तो जीरो फाइव फिफ्टी में से एट गया तो सेवन फिर सिक्स एंड थ्री तो क्रेडिटर्स आया थ्री सिक्स सेवन फाइव जीरो एंड बिल्स पेबल फुल बोला है तो ट्वेल्व फाइव हंड्रेड टोटल तो तो फोर नाइन टू फाइव जीरो इफेक्ट कहा जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा बैंक बैंक के क्रेडिट में लिखो we'll बाई so, हम एंट्री अलग से करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक सो लेट्स कम टूवर्स अगेन अवर लेजर रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो टू बैंक जीरो ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड दूसरा इफेक्ट तुरंत बैंक में आना है बैंक के क्रेडिट में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट सिक्स टू फाइव जीरो ब्रैकेट में एक्सपेंसेस सो दिस वे अवर एंट्री इज कम्प्लीटेड विच वन एक्सपेंसेस पेड अब इसके बाद यहां तक होने के बाद फिर लास्ट एडजस्टमेंट करते अभी फोर्थ वन शीतल वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रूपी रिकर कौन इंसॉल्वेंट हुए तीन पार्टनर में शीतल तो so, सबसे पहला जो इंसॉल्वेंट वाली जो वैरायटी होती है वो तो हमें पार्टनर्स में सॉल्व करनी है तो उसका कनेक्शन किसके होता है पार्टनर्स के साथ और बैंक के साथ तो इसलिए पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है बैंक में वो उसमें ट्रांसफर होगा पेमेंट से वो पता चलेगा हमें कितना उसका डेफिशिएंसी एंड ऑल सो so, इसलिए हमारा पहले लेजर के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है तो आप पहला लेजर क्लोज कर सकते हो प्रॉफिट लॉस मिल सकता है आपको अब देखो हम फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे आते हैं वो क्लोज कर देते हैं सिंपल स्टेप वाइज तो हमारे लिए कंफ्यूजिंग नहीं होगा सो so, रियलाइजेशन अकाउंट की टोटल करो डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल डेबिट की टोटल कितनी है देखो वन लाख फिफ्टी फोर्टी नाइन टू फिफ्टी और सिक्स सो वन लैख फिफ्टी में फोर्टी नाइन प्लस करो तो वन लाख नाइन्टी नाइन आता है 1, में 6 प्लस करेंगे, तो टोटल आएगी टू जीरो फाइव फाइव हंड्रेड डेबिट की टोटल टू जीरो फाइव फाइव हंड्रेड क्रेडिट देख लेते हैं तो so, डेबिट की टोटल आती है टू लैख फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड और क्रेडिट की टोटल अगर आप करोगे तो आएगी वन लैख सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो so, देखो डेबिट की टोटल है और ज्यादा टू जीरो फाइव फाइव हंड्रेड और क्रेडिट की टोटल जो है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन लैख एट प्लस फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड वन लैख सिक्सटी फाइव हंड्रेड तो देखो फाइव जीरो, जीरो 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 ये तीन जीरो तो यहाँ पे फिक्स है टेन में से सिक्स गया तो फोर फोर्टी फाइव थाउजेंड का लॉस है सो डेबिट करोड़ दोनों तरफ लिखो क्रेडिट में लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर द लॉस शुभांगी मनीषा शीतल तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो पंद्रह हजार का लॉस ईच इक्वल रेशियो बाहर फोर्टी फाइव थाउजेंड रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया तो पार्टनर के डेबिट में टू रियलाइजेशन लॉस फिफ्टीन थाउजेंड ई सो ये हमारे लॉस का भी इफेक्ट हो गया है अब हमारे लिए इस सब में नया वैरायटी अभी स्टार्ट अभी क्या बोला है शीतल इज इंसॉल्वेंट सो जो भी इंसॉल्वेंट होता है वो वर्किंग नोट में लेना आप वर्किंग नोट सॉल्व करो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डेफिशियंसी कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डिफिशियंसी ऑफ शीतल इसका हम कैपिटल की डेफिशिएंसी निकालने वाले शीतल का क्यों? बिकॉज वो इंसॉल्वेंट है तो पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल डिफिशियंसी ऑफ शीतल हमें कैसे करने का कैपिटल की डिफिशियंसी कैसे निकालने का शीतल की डेबिट की टोटल करो और शीतल की क्रेडिट की टोटल करो शीतल की डेबिट की टोटल देखो कितनी है शीतल का या ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और फिफ्टीन थाउजेंड कितना होता है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड शीतल की क्रेडिट की टोटल करो हमारे पास क्या क्या है शीतल में क्रेडिट में सात हजार सौ है रिजर्व फंड का एक ही है बस हमने जो जो इफेक्ट दिया वो देखो टेक्स बुक का एंसर्स मत देखो अब ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड में सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस तो कितना आया ट्वेंटी तो सबसे पहले शीतल की डेबिट की टोटल किया, जो पार्टनर होता है, उसकी डेबिट की भी टोटल करने की शीतल इज इन्सोल्वेंट और फिफ्टी परसें इन रूपी वॉज रिकवर अभी ट्वेंटी थाउजेंड आ गया, अब अगेन क्वेश्चन पढ़ते फिफ्टी पैसे इन रूपी मतलब फिफ्टी परसेंट अब वो ट्वेंटी थाउजेंड में से शीतल ने पचास तक पे किया बट जो बचा हुआ पचास टाक का वो इंसॉल्वेंसी है तो ट्वेंटी थाउजेंड का हाफ कितना आता है टेन थाउजेंड इज पेड शीतल ने टेन थाउजेंड पे किया और टेन थाउजेंड नहीं कर पाई पे बिकॉज उसके पास नहीं है वो दस हजार तो दस हजार क्या है इनसॉल्वेंस दस हजार अभी कौन शेयर करके लेंगे उनको पे करना है अब शीतल को लाइबिलिटी तो देना था बीस हजार बट वो दस हजार दे सकती है बट वो दूसरा दस हजार नहीं दे सकती तो जो भी पेंडिंग है वो दूसरे पार्टनर शेयर करके ले लेंगे उनको पेमेंट करना पड़ेगा सो ऑन बिहाफ ऑफ शीतल हु विल पे द बैलेंस लाइबिलिटी मनीषा और शुभांगी तो सबसे पहला शीतल ने कितना पे किया व तो उसने कितना पे किया टेन थाउजेंड सो बैंक के डेबिट में टू शीतल टेन थाउजेंड और शीतल के क्रेडिट में बाय बान थाउजेंड जब भी कोई पैसा आता है बिजनेस में शीतल ने दिया है ना तो बैंक टू शीतल तो ये हुआ एंट्री टेन थाउजेंड के बाद जो बचा हुआ टेन थाउजेंड वो नहीं पे कर सकती तो वो कौन शेयर करके लेंगे किसको पे करना पड़ेगा जो सोलवेंट है मतलब तो जो अभी भी बिजनेस में सॉल्वेंट है मतलब तो जिनके पास ज्यादा पैसा है जिनके पास असेट ज्यादा है और लाइबिलिटी कम है तो उस केस में टेन थाउजेंड कौन किन को भरपाई करनी पड़ेगी शुभांगी और मनीषा और उसकी एंट्री क्या होती है हमारी टेन थाउजेंड जो रिमेनिंग है वो कौन शेयर करके लेंगे द सॉल्वेंट पार्टनर शुभांगी एंड मनीषा व्हाट इज अवर एंट्री हमारी एंट्री पता है आपको सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट क्या एंट्री है सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट so, सो सॉल्वेंट का नाम क्या है हमारे पास शुभांगी तो हमारी एंट्री क्या होगी पहले मैं एंट्री लिख के दिखाती हूँ आपको तो हम लेजर में पोस्ट कर सकते हैं शुभांगीज कैपिटल अकाउंट डेबिट मनीषा शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूं मैं मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट कौन है शीतल तो समझिए आपका एंट्री शुभांगी इज सॉल्वेंट मनीषा इज सॉल्वेंट टू शीतल अब शीतल को कितना देना था टेन थाउजेंड ये क्रेडिट के अमाउंट है उसमें से शुभांगी और मनीषा को देना पड़ेगा टेन थाउजेंड अब ये बिकॉज उसके पास तो नहीं है बट रेशो क्या है शुभांगी और मनीषा का फाइव थाउजेंड तो शुभांगी फाइव पे करेगी और मनीषा फाइव थाउजेंड पे करेंगी और शीतल को देना था टेन थाउजेंड बट वो इंसॉल्वेंट है इसलिए वो नहीं दे पाई तो देखो अभी जो हमने एंट्री ली थी यहाँ पे पोस्ट होगा एंट्री क्या मैंने बोला आपको सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट तो सॉल्वेंट के डेबिट में लिखो शुभांगी के भी डेबिट में और मनीषा के भी डेबिट में शीतल का नाम लिखो शुभांगी कितना देगी फाइव थाउजेंड मनीषा कितना देगी फाइव थाउजेंड और शीतल के क्रेडिट में दोनों का लिखो शुभांगी का भी और मनीषा का भी फाइव फाइव थाउजेंड एंट्री समझी दोनों भी एंट्री पार्टनर्स में ही जाएगा एक में डेबिट में और एक में क्रेडिट में सो so, शुभांगी और मनीषा सॉल्वेंट है तो हमारी एंट्री क्या हुई सॉल्वेंट पार्टनर्स डेबिट तो इज डेबिटेड मनीषा इज मनीषाटेड थाउजेंड और शीतल का नाम आएगा और इंसॉलवेंट क्रेडिट है तो इन्सॉलेंट के क्रेडिट में अमाउंट जाएगी और नाम किसका डालने का सॉल्वेंट का समझा तो सॉल्वेंट टू इंसॉलवेंट फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड यहाँ पे भी आएगा और क्रेडिट में भी फाइव थाउजेंड आएगा अब हमारा इंसॉलवेंट का अकाउंट क्लोज कर दो ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड से टैली हो जाएगा वो अकाउंट उसका डेफिशिएंसी दोनों पार्टनर ने शेयर कर लिया नाउ विल क्लोज द टू पार्टनर्स विच इज सॉल्वेंट शुभांगी का अकाउंट क्लोज करते हैं सबसे पहला क्रेडिट की टोटल लो शुभांगी की सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड और सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी थाउजेंड और डेबिट की टोटल कितनी है फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी सो सेवेंटी में से ट्वेंटी अगर हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा टू बैंक कितना होगा फिफ्टी थाउजेंड बैंक so आएगा तो सेम मनीषा का भी करो और 45 में से भी ट्वेंटी माइनस करो तो इसका भी कितना आएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव में से ट्वेंटी माइनस किया तो थर्ड तो इन्सॉल्वेंट है इसलिए वो क्लोज हो चुका पहले ही तो ये दोनों भी बैंक में कहा जाएगा फिर क्रेडिट साइड बाय शुभांगी बाई मनीषा फिफ्टी थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फाइनली फिर बैंक क्लोज करो यहाँ की भी टोटल डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल सेम आएगी और बैंक टैली हो जाएगा वन लैक थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड से इसमें मेन क्या ध्यान देना है कौन इंसॉल्वेंट हुआ है वो देखो उसने कितना परसेंट पे किया है कभी कभी अमाउंट में भी बोलते हैं कि उसने सिक्स थाउजेंड पे किया है तो हम फिर सिक्स थाउजेंड की एंट्री करते हैं बैंक टू दैट पार्टनर और फिर जो डिफरेंस रहेगा वो दोनों पार्टनर में शेयर करने का अभी रेशियो इक्वल था इसलिए यहाँ पे दोनों में फाइव थाउजेंड आया रेशियो अगर अलग होता टू इज टू वन तो हम दोनों में रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके देते सो so, ऐसे हमें करना है सॉल्व बिकॉज हमें ध्यान देना है कि पार्टनर का रेशियो इक्वल है या पार्टनर का रेशियो दिया है बट रिमेनिंग बैलेंस जो भी होगा वो इट इज ड्यूटी ऑफ इंसॉलमेंट वो पे करेंगे because जो पार्टनरशिप ड्यूटी ऑफ अदर पार्टनर टू पे द लाइबिलिटी ऑफ दैट इंसॉलमेंट पार्टनर तो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा कंप्लीट द नोटबुक रिवाइज द लेक्चर्स एंड एंट्री सोलवेंट पार्टनर्स कैपिटल टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर दिस इज न्यू अदर देन स्टेप्स आर सेम खाली एक लास्ट एडजस्टमेंट का हमने न्यू एंट्री की सोलवेंट टू इंस्टॉल पहले थे लिख लो ऊपर स्टार्टिंग के जो मैंने बोला था वो और फिर यह क्वेश्चन स्टार्ट कर लो नोट्स एंड ऑन कम्पलीट रखो एनी टाइम आई कैन टेल यू टू सबमिट इन पी डी एफ फाइल दैट टाइम इट वज बी अवेलेबल टू यू सो वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर टिल दैट टाइम वर्क आर Work hard, complete the notebook, work hard, complete the notebook, and wait for my next lecture. Thank you.